आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उमेश नहीं सोनू, चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, मरहूम जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो वो देखना पड़ेगा भाई, कितने बाप हैं तुम्हारे? मर्यादा नहीं है बेशरम आदमी, बात करने की तमीज नहीं है, कैसे एक विधायक के साथ बात की जाती है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे बुलाया जाता है, झूठा मक्कार जाहिल, कभी कुछ कभी कुछ, कौन पूछता है तुझे, इस सरकार में भी कोई नहीं पूछता, तेरी हैसियत मुझे पता है, तू मुझे बताएगा? 1.5 साल से तू धक्के खा रहा है मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, क्या करवा दिया तूने मेरे खिलाफ? खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का झगड़ा फिर शुरू, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते जनप्रतिनिधियों ने तोड़ी सारी मर्यादाएं। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आग उगल रहे हैं। दोनों के इस बीच एक दूसरे को जवाब के तौर पर दिए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार को लेकर क्या क्या कहा, जरा पहले ये सुनिए। तुम्हारा असलियत कहने के लिए मुझे मेरे लोगों ने बाध्य किया और मैं शुरू कर रहा हूं कि तुम जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जो अपराधी रहा हो, चोर रहा हो, जेल गया हो, उसको क्या अधिकार है बोलने का भाई? क्यों सोनू बब्बर, झटका लगा सुन के? सोनू उमेश नहीं सोनू, चल मिलक दुहाई में चलते हैं बे, जहां तू और तेरा परिवार जो निठहरा दादरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थे नरेश भाटी जी, उनके साले चौधरी अशोक गुजर जी और रईस एडवोकेट राजा त्यागी जी के होटल पे जो तूने रहा खाया, अपना तथाकथित शर्मा होटल, मरहूम जगदीश जी जो तुम्हारे फादर, अब फादर की बात आ गई तो वो देखना पड़ेगा भाई, कितने बाप हैं तुम्हारे? कमलेश जी तुम्हारी माता जी, जब तीतरों में नर्स थी तो तुम्हारे तथाकथित पिता जगदीश उनको भगा करके लाए थे और कहा रहे थे मिलक दादरी में। जगदीश उस समय के माने हुए नेता चौधरी यशपाल सिंह के चेलों के चेले हुआ करते थे और वहां पे आकर के कैसे शर्मा ढाबा खुला, उस शर्मा होटल पर कैसे ट्रक वालों से दोस्ती करके चोरी का सरिया, चोरी की चीनी बेची जाती थी, किससे तुम लोगों का खर्चा चला, तुम्हारी 3 पुश्तों ने ढाबा चलाया, वो सब चीजें मेरे सामने। और फिक्र मत कर, ये कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं जैसे तू कॉन्कॉक्ट करता है, झूठ बोलता है, ये सीधे तथ्य हैं और जल्दी ही राजा त्यागी और चौधरी अशोक जी कैमरे के सामने आएंगे और तेरी असलियत बयान करके तुझको नंगा करेंगे समाज के सामने, तेरी असलियत क्या है। वैसे जब तक ये एक्सप्रेस वे नहीं बना था मेरठ दिल्ली वाला, जब तू मेरठ बाईपास से गुजरता होगा तो प्रतापपुर के पास जाके तेरा कलेजा कांप जाता होगा। तुझे याद आता होगा कि कैसे प्रतापपुर में कार चोरी के जुर्म में तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तू जेल गया था और उस समय सुभाष चौधरी हुआ करते थे, उस समय के नेता हरेंद्र मलिक जी जो हमारे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं, उनके शीश जो तेरे साथ जेल गए थे कार चोरी में, और तेरी जमानत भी अशोक चौधरी ने कराई थी। हाँ, जैसे तू बलात्कार का मुकदमा लिखना भूल गया या जानबूझकर तूने नहीं लिखा, ऐसे ही प्रतापपुर का चोरी का मुकदमा भी लिखना भूल गया विधायक के अपने नॉमिनेशन फॉर्म में। अबे उसको भी तो लिखता कि कितना पुराना चोर है तू, कितना जलील आदमी है, आज सफेद पोश का लबादा उड़ के यहां तू सफेद पोश बनता है उत्तराखंड में देवभूमि में। अरे देवभूमि में तो तू रहने लायक नहीं है, जो अबला महिला का बलात्कार करता हो। तेरे खिलाफ FIR नंबर 16 दर्ज हुई थी 2018-16 फरवरी को थाना तुगलक रोड में नई दिल्ली में, और आज भी हाईकोर्ट दिल्ली में केस जिंदा है जो तू झूठा कहता फिरता। भाई झूठ मक्कार और फ्रॉड तो तेरी फितरत है, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक दी कि मुझे दिखा दो कोई कि मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो। अबे FIR तो कल दिखाई, उसको झुंझुना बता रहा है। अरे FIR औरों के खिलाफ क्यों ना हो जाए? एक बात बोल रहा हूं बे, बोल गए सोनू बब्बर शर्मा भारद्वाज जो भी है तू, तेरी जात का नहीं पता तू क्या है। अगर वैसे तो एक बात, बाप की औलाद तो है नहीं, अब क्या कहूं मैं,
अगर तू कितने भी बाप की औलाद हुआ और अपनी मां का दूध पिया है तो उसे लजामत, 100 कुत्ते लेके आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, शेर की एक दाड़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर, और मर्द है तो आमने सामने, मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ, लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है, तेरी पेंट गीली हो जाएगी, मैं जानता हूं। इसके जवाब में विधायक उमेश कुमार ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें वो चैंपियन को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, सुनिए। मानसिक संतुलन खो गया है या तुम्हारी परवरिश ही ऐसे संस्कारों में हुई है जहां पर लोगों के ऊपर उल्टे सीधे अल्जाम लगाकर बदतमीजी से बात करते हैं? 50 बार कहा है कि मेरे मां बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। मां बाप तेरे भी हैं और मैं तेरे मां बाप के बारे में तमीज से बात कभी मैंने आज तक नाम नहीं लिया होगा। यार अपनी सीमाओं में रह, भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था आधी रात में? भूल गया? भूल गया वो दिन जब तू पार्टी से एक्सपेल हो गया था, तुझे निकाल दिया गया था विधानसभा से, तेरे को एक्सपेल कर दिया गया, तब रात को मेरे सामने रो रहा था? भूल गया अपना वक्त? अपना वक्त भूल गया जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी आधी रात में और तू मेरे चैनल के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया तो मैं हरीश रावत से तेरे लिए लड़ा था? भाषा को नियंत्रण में रख, आ गई बात समझ में? बदतमीज तू होगा तो तेरे से बड़ा बदतमीज मैं हो सकता हूं, ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं आज तक प्रणव जी आप ऐसे अरे सीमाएं लांघे जा रहा है, कभी एक बाप की औलाद बोलता है, कभी एक मां की औलाद बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बलात्कारी कहता है, तू साबित कर, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो साबित करके दिखा मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, दिखा किस कोर्ट में मेरे खिलाफ कौन सा ट्रायल चल रहा है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। अगर प्रणव सिंह तू अपने एक बाप की औलाद है तो अगर तू साबित कर देगा कि मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है और कोई मुकदमा चल रहा है, मैं एक बाप की औलाद हूं, इस्तीफा दूंगा विधायकी से। बार बार बलात्कार का मुकदमा FIR की कॉपी, अरे FIR की कॉपी, मैं तुझे फिर कह रहा हूं कुंवर प्रणव सिंह, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू साबित करके दिखा कोर्ट में, तू मुझे दिखा किस मामले में मेरे खिलाफ चार्जशीट है, किस मामले में मेरे खिलाफ आरोप पत्र और किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तू साबित कर दे, मैं इस्तीफा दूंगा, अपने बाप की औलाद हूं। आपको बता दें कि दोनों के बीच ये लड़ाई तब से शुरू हुई है जब से विधायक उमेश कुमार ने खानपुर सीट से चुनाव की तैयारी शुरू की। वो चुनाव जीत गए और इसके बाद तो दोनों के बीच जैसे तलवारें ही खिंच गई। लेकिन इन दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा झगड़ा जिस रूप में सार्वजनिक हो रहा है वो सभ्य समाज में रहने वाले लोगों को असहज कर रहा है। राजनीतिक शुचिता की बात तो बहुत दूर है, इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जवाब देने के चक्कर में सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।